हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक अकाउंट डिलीट कैसे करें। जैसे कि आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, परमानेंटली बंद करना चाहते हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में आपको 2024 का नया तरीका, एकदम न्यू प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, परमानेंटली बंद कर सकते हो। कैसे करोगे पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सबको लाइव सीख लेते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना, मुझे अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है, परमानेंटली बंद करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूं। अब मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा लाइव करते रहना अपने मोबाइल फोन में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल दिखा देता हूं। मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये मेरा फेसबुक अकाउंट है जो कि मुझे परमानेंटली डिलीट करना है, मुझे परमानेंटली बंद करना है। वैसे करना नहीं है, मान लेते हैं मुझे डिलीट करना है। कैसे डिलीट करोगे, 2024 का नया प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको फेसबुक के होम पेज पर आ जाना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ऊपर के साइड आपको 3 लाइन दिखाई देंगे, देख सकते हैं 3 लाइन आ रही है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन दिखाई देगा ऊपर की साइड में, आपके सामने सेम टू सेम यही वाला ऑप्शन आएगा, इस तरीके से आपके मोबाइल पर आएगा। तो आपको सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं सेम टू सेम ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, नीचे के साइड में आपको क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में ऑप्शन दिखाई देगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, अब मेटा के अकाउंट सेंटर में आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनल डिटेल्स का, देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन आएगा पर्सनल डिटेल्स, तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, सेम टू सेम लाइव करते रहना अपने मोबाइल फोन में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला डीएक्टिवेशन और डिलीशन, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने आपके मल्टीपल प्रोफाइल आ जाएंगे। देखो मेरा एक फेसबुक का अकाउंट है, 2 इंस्टाग्राम के अकाउंट है, दोनों आपस में तीनों अकाउंट अटैच है, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर तीनों अकाउंट आ रहे हैं। अगर आपका एक अकाउंट होगा तो एक आएगा, 2 होंगे तो 2 आएंगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन से अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो। जैसे मैं फेसबुक का करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। अगर आपने फेसबुक अकाउंट को कुछ दिनों के लिए डिलीट करना है, कुछ दिनों के लिए बंद करना है, तो आप फर्स्ट वाला क्लिक करो डीएक्टिवेट अकाउंट, लेकिन मुझे अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है, हमेशा के लिए बंद करना है, तो आपको सेकंड ऑप्शन दिखा दिया डिलीट अकाउंट, ये ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर दोगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, इस तरीके से आपको डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अब कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, देखो बिफोर यू डिलीट यू मीन अवेल टू हेल्प, यानी आप अपना फेसबुक अकाउंट क्यों डिलीट कर रहे हो, इनमें से आप कोई एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको एक रीजन देना होगा। तो जैसे कि मान लेते मैंने फर्स्ट वाला रीजन दे दिया, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, यानी मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय फेसबुक पर बिता देता हूँ, इसलिए मैं अकाउंट को डिलीट कर रहा हूँ, मैंने जो सेलेक्ट कर दिया, इस प्रकार से आप कर दोगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इंटरफेस आ गया, टाइम स्पेंड ऑन फेसबुक आपका रीजन सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं परमानेंटली डिलीट अकाउंट, आप एकदम सही रास्ते पर हो अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा परमानेंटली डिलीट अकाउंट, तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो रहा है। उसके बाद आपके सामने क्या है इंटरफेस, अब आपको ऊपर के साइड में स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे लास्ट में कंटिन्यू, ये कंटिन्यू का आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ऑप्शन आएगा फेसबुक पासवर्ड, देख सकते हैं मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ, अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो फेसबुक का पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये फेसबुक की पॉलिसी है कि अगर आप अपना फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, लेकिन मान लेते हैं आपको पासवर्ड नहीं पता है और आपको अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हो। आपने एकदम सही सुना है, आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने फेसबुक का पासवर्ड पता कर सकते हो और अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। अब आपको
क्या करना है, आपको बीच कैसे होम स्क्रीन पर आ जाना, बीच कैसे काट देना। जैसे देख सकते हैं मैं बीच कैसे काट दिया, होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगा जीमेल, देख सकते हैं जीमेल ऐप है जो कि हर मोबाइल में आता है। तो आपको अपने मोबाइल में जीमेल ऐप को ओपन करना है, इसका पासवर्ड आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जीमेल ऐप को ओपन कर लिया है, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, होम पेज कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देखो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी जितनी भी होंगी वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गूगल अकाउंट का, आपके सामने इस तरीके से ये ऑप्शन आया गूगल अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ वही प्रोसेस आपको लाइव करते रहना अपने मोबाइल फोन में, फेसबुक का पासवर्ड आपको आसानी से मिलेगा। अब आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे होम लिखा हुआ, पर्सनल इन्फो, डाटा, प्राइवेसी ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी का, देख सकते हैं सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा सेम टू सेम। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे पासवर्ड मैनेजर। गूगल क्या करता है, आपका एक्सेस लेके आपके सारे पासवर्ड को ऑटो सेव कर लेता है, आपको पता नहीं होता, लेकिन आपके पासवर्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको इस पर क्लिक करना है पासवर्ड मैनेजर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, पासवर्ड मैनेजर में आ जाओगे। यहाँ से आप किसी का भी पासवर्ड पता कर सकते हो, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का, सारे पासवर्ड मिले हैं। फिलहाल किसका पता करना है, फेसबुक अकाउंट का। तो आपको इस पर क्लिक करना है facebook.com। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब एक लॉक मांगेगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लॉक मांग रहा है। तो मैं आपको बता दूं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बाहर का भी लॉक डाला है, होम स्क्रीन पर वो लॉक डालना है। मेरा फिंगर लगा तो मैं फिंगर मांग रहा है, तो मैं फिंगर वेरीफाई कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं ये मेरे फेसबुक अकाउंट का नाम आ चुका है अनुपम पाठक, जो कि मेरी फेसबुक आईडी और ये इसका पासवर्ड आ चुका है। सो दोस्तों ये रियल तरीका, इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट का रियल पासवर्ड पता कर सकते हो, आपका जो भी पासवर्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना, आप इस आई वाले बटन से यहाँ से आप पासवर्ड को देख सकते हो, और आप देखना चाहते हो तो। और आपको क्या करना है, अगर आपको देखना नहीं कॉपी करना है तो आपके वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे आपका पासवर्ड कॉपी हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फेसबुक पर जाना है। जैसे कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ फेसबुक पर, मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, देख सकते हैं आपका ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड का। तो जो पासवर्ड आपने कॉपी किया है पेस्ट कर देना, देख सकते हैं मैंने आप पासवर्ड वहाँ से कॉपी किया था, मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपको पासवर्ड कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये 2024 का नया तरीका है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और मैं कंटिन्यू पर क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट नहीं करना है। मैं आपको डेमो दिखा था कि आप 2024 में किस तरीके से अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, बस आपको इतना प्रोसेस करना है, उसके बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। 100% गारंटी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।